या तो कल कर लो या आज कंटिन्यू कर लो, और कल भी कर लेना, उसमें क्या दिक्कत। आज वो उसके पहले का मेरा सब कुछ क्लियर है, और मेरे तुमने को बस कहा वो क्वेश्चंस कहाँ प्रैक्टिस करना एग्जैक्टली है। मुझे बताओ, कौन से फंक्शन पे थे, कौन सा लास्ट तुमने किया है, मुझे वो बता लॉग लॉग फंक्शन किया था, उसकी प्रॉपर्टीज की थी, फेस चेंजिंग दो। अच्छा ठीक प्रॉपर्टीज है, एंड हाँ तो वो फिर तुम सब। आज 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 जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा मुझे। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ अच्छा, आप लोग को जो मैं नेक्स्ट फंक्शन पढ़ाने वाला हूं, दैट इज मॉड्यूलस फंक्शन, प्लीज रिमेम्बर इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन कैलकुलस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बहुत यूज है। मैं आराम से आपको समझा रहा हूं, इसमें आज हम शायद मॉड्यूलस का ही डिस्कशन करेंगे, काफी वाइड है, और व्हाट डू यू कॉल इट हैज इमेंस एप्लीकेशन, सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं समझ में आए तो प्लीज आस्क। देखो मॉड फंक्शन जो है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज मॉड ऑफ एक्स, दिस इज रेड एज मॉड ऑफ एक्स, एंड मॉड ऑफ एक्स इज एक्चुअली कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, इट इज एक्स वेन एक्स इज समथिंग पॉजिटिव, एंड इट इज माइनस एक्स वेन एक्स इज लेस देन जीरो, दैट इज एक्स इज नेगेटिव। बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि अगर मॉड में टू लिखा है तो आंसर विल बी टू, और अगर मॉड में माइनस टू लिखा है तो आंसर विल बी माइनस ऑफ माइनस टू, दैट इज प्लस टू। दैट मीन्स इन बोथ केसेस मॉड ऑफ प्लस और माइनस टू इज इक्वल टू टू ओनली। Now, what is the interpretation of this? Interpretation is that it is distance from origin. On number line. That means if we pictorially represent, तो मॉड का एसेंशियली मतलब ये होता है कि लेट्स से दिस इज द नंबर लाइन, ओके, और इस नंबर लाइन में सेंटर में जीरो है, यू नो रियल नंबर्स में इधर माइनस इंफिनिटी है, इधर प्लस इंफिनिटी। अब देखो यहां पर दो नंबर्स हैं, एक नंबर है माइनस टू और एक नंबर है प्लस टू। नाउ वी नो दैट माइनस टू से टू का, माइनस टू से जीरो का और जीरो से टू का, दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू यूनिट्स ही है, सिर्फ जो माइनस और प्लस लगाते हैं दैट इज टू सिग्निफाई द सेंस ऑफ डायरेक्शन, इट हैज नथिंग टू डू विद द मैग्नीट्यूड। सो मॉड इज ओनली रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी मैथमेटिकल क्वांटिटी और एनी न्यूमेरिक क्वांटिटी, इट इज ओनली रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड, इट हैज नथिंग टू डू विद द साइन ऑफ द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन और द साइन ऑफ द वैल्यू, वट एवर इट इज। ठीक है, नाउ ग्राफिकली हाउ डू वी सी इट इज कि लेट्स से वी वॉन्ट टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द मॉड फंक्शन, सो वेन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ मॉड फंक्शन, तो देखो मॉड इज ब्रोकन अप इनटू टू पार्ट्स, मैं बता चुका हूं आपको, तो जब एक्स पॉजिटिव होगा तो ये तो वही आंसर देगा, थ्री का मॉड थ्री होगा, फाइव का मॉड फाइव होगा, हंड्रेड का मॉड हंड्रेड होगा, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो दैट मीन्स पॉजिटिव साइड में जो मॉड का आउटपुट होगा दैट विल ऑलवेज बी द नंबर इटसेल्फ, so it is represented by the line y equal to x, but as soon as we go to the negative side, तो जब x negative होगा तो y cannot be negative because y has to be positive only, तो minus two का भी plus two ही आना चाहिए, that means it will go back up, it will be like this, समझ आया? तो यहां पर जो हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो विल से दिस पोर्शन इज वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, और आप देखो यहां पर वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू माइनस एक्स है, वाई हम किसको बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स को बोलते हैं, दैट इज वाई इज द आउटपुट ऑफ द फंक्शन एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके फंक्शन इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ इफ वी टॉक ऑफ द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन,
तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स, मतलब कोई भी इनपुट हो कोई दिक्कत नहीं है, रियल इनपुट्स है, कुछ भी इनपुट दोगे कोई भी नंबर लिखोगे उसका मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा, बट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल ऑलवेज बी आर प्लस दैट इज नो सॉरी नॉट आर प्लस आर नॉट दैट इज जीरो टू इंफिनिटी, दैट मीन्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो जीरो का मॉड तो जीरो ही होगा तो ये जीरो से होगा, और बाकी आप देखो तो मॉड मॉडुलस वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, सो इट इज जीरो टू इंफिनिटी। एंड यहां पर जो मैं रियल नंबर ये सेट लिख रहा हूं तो इसमें देखिए जीरो को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है बिकॉज जीरो इज इंक्लूडेड इन द आंसर, क्योंकि मॉड ऑफ जीरो विल बी जीरो और इसके बाद सारे नंबर्स का मॉड पॉजिटिव होगा अप टू इंफिनिटी, एंड इंफिनिटी सिंस कैन नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज इंफिनिटी रियल नंबर्स में नहीं है, रियल नंबर्स का खुद का सेट जो है वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इन ओपन इंटरवल्स राउंड ब्रैकेट्स है, ओपन इंटरवल मतलब द बाउंड्री वैल्यूज आर नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो इस वजह से यहां पर भी कंपल्सरली हमें राउंड ब्रैकेट ही लगाना पड़ेगा। ये पूरा नोट करो, कर लिया नोट सबने कर लिया। यस सर। सिमरन नव्या किसने कर लिया, आचमन ने कर लिया सर? मैं कर रहा हूँ। यस सर मैंने। ओके चलो एक मिनट और ले लो। हाँ जी अच्छा, नाउ लेट्स सी कि हमें इसमें क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन, अगर मतलब इट इज गिवन टू यू x प्लस 5 का मॉड इज इक्वल टू 7, देन वी हैव टू फाइंड x। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे x प्लस 5 का वैल्यू आइदर प्लस 7 और माइनस 7 होगा।
x is equal to plus minus 7 minus 5. It will be 7 minus 5, yani 2. Yeah, minus 7 minus 5, yani minus 12. Is that okay? Yes, sir. अब इसमें ऐसा भी आ सकता है, जैसे बोल दिया mod of mod x minus 3 is equal to 7. Find x. तब इसमें क्या करेंगे, हम पहले बाहर वाले mod से डील करेंगे. तब कहेंगे mod x minus 3 is equal to plus minus 7, यानी mod x is equal to plus minus 7 plus 3. So it is either 7 plus 3, 10, or minus 7 plus 3, that is minus 4. ठीक है. अब mod x equal to minus 4 is not possible because mod हमें पता है cannot be negative. So that means mod x can only be equal to 10. That means x can only be equal to plus minus 10. समझ आया? Is this okay? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Navya, Simran. Yes, sir. Yes, sir. Okay, beta. हाँ. अच्छा, अब आप लोग एक try करो. चलो मैं देता हूँ. Solve करो इसको जरा. Sir, two comma minus six. Sir, 2, -6 आ रहा मेरा. नहीं, 6, -2. टू तो आ ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि टू पे तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो सिर्फ वन रह जाएगी. सिक्स आ सकता है और माइनस टू आ सकता है. बिल्कुल ठीक बोला. हाँ, माइनस टू और सिक्स. हाँ, देखो मॉड ऑफ एक्स प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस फाइव. That means mod of x minus 2 is equal to plus minus 5 minus 1. That is either 5 minus 1, 4, or minus 5 minus 1, minus 6. X minus 2 ki value plus minus 4 ho sakti hai, 6 minus 6 to ho nahi paegi. X ka value plus minus 4 plus 2, yani 4 plus 2, 6, ya minus 4 plus 2, that is minus 2. Samajh aaya beta? ओके okay. ये तो हुई इक्वालिटी का कुछ कॉन्सेप्ट. थोड़ा अभी वैसे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखिएगा रिलेशन फंक्शंस आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है 11th में, एंड इट इज कंप्लीटेड इन क्लास 12 बिकॉज इट इज ऑल्सो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 ऑल्सो. सो वी गो अकॉर्डिंगली, वी हैव टू डिवाइड द थिंग्स, बट अभी कुछ चीजों का आइडिया हो जाना चाहिए. नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर द inequalities, और ये हम यहां पर modulus के respect में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो देखो अगर आपके सामने mod x equal to 2 लिखा होता, that means हम ये कहते हैं x वो number है जिसका distance origin से 2 units है. तो हम कैसे, ऐसे दो numbers है plus 2 and minus 2. पर अगर आपके सामने लिखा होता mod x is less than equal to 2, उस केस में क्या होता. तो देखो अगर हम कहते हैं x is less than or equal to 2, mod x is less than equal to 2, इसका मतलब क्या हो गया. देखो यहां 0 है, यहां minus 2 है, यहां plus 2 है. तो equal to 2 तो यहां पर है और यहां पर है,
और लेस देन जो है वो इन दोनों के बीच में है. दैट मीन्स इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज लेस देन टू यूनिट्स, चाहे वो वन माइनस वन हो, चाहे वो प्लस वन हो, चाहे वो पॉइंट फाइव हो, चाहे वो माइनस पॉइंट फाइव हो, इनका सबका डिस्टेंस जो है ओरिजिन से टू से कम है. सो ऑल दीज नंबर्स विल बी द सॉल्यूशंस. तो वी विल से एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू 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 ऑल रियल नंबर्स. डू यू गेट दिस? कैन यू विजुअलाइज दिस? सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा. हाँ जी. उसका मतलब इसके सॉल्यूशन है माइनस टू और टू के बीच में जितने भी नंबर होंगे, नंबर नाइन जितने भी नंबर आएंगे, आप माइनस टू और टू के बीच के कोई भी नंबर को यहाँ पर रख के देखो, उसका मॉड टू से छोटा होगा. जैसे आपने रखा माइनस पॉइंट थ्री, दैट इज उसका मॉड विल बी पॉइंट थ्री विच विल बी लेस देन इक्वल टू टू. ठीक है, आप प्लस में कोई भी रखो 1.5, इसका मॉड लेंगे तो 1.5 ही होगा और वो 1.5 जो है वो लेस देन इक्वल टू टू होगा. तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी नंबर आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव बट इन दोनों के बीच का, उसका मॉड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू टू. समझ में आया? दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. अब सेकेंड है इसका रिवर्स, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू. तब देखो यहां पर क्या करेंगे, यहां हम कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू या टू से ज्यादा होना चाहिए. तो टू से ज्यादा डिस्टेंस तो इन नंबर्स का होता है, एक तो जो टू से बड़े नंबर्स हैं. एंड ऑल्सो प्लीज रिमेंबर, ये वाले नंबर्स जो है जो माइनस टू से छोटे हैं, इनका भी डिस्टेंस टू से ज्यादा है. क्योंकि देखो अगर आप मॉड ऑफ माइनस थ्री बनाते हो तो वो थ्री आता है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, और ऑब्वियसली मॉड ऑफ थ्री बनाओगे तो वो भी थ्री आएगा विच विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू. दैट मीन्स फॉर दिस द सोल्यूशन सेट इज माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू, दैट इज दिस साइड, यूनियन 2 to infinity, that is this side. समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, और यही पे अगर mod x less than 2 लिखा होता तो थोड़ा सा फर्क होता. x belongs to minus 2 to 2 round brackets में आता क्योंकि यहाँ पे equal to नहीं. और अगर mod x greater than 2 बोलते x belongs to minus infinity to minus 2 union 2 to infinity आता है, ये भी round brackets में आता है, बस इतना फर्क हो जाता. नोट करिए सारे.
कर लिया ना। डन। सबका हो गया। अब देखो मैं आपको चार इनइक्वालिटीज लिखा देता हूं इसकी, जो मैंने अभी आपको समझाई है। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। मॉड एक्स लेस देन ए, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए इन राउंड ब्रैकेट्स। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इंफिनिटी। एंड मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इंफिनिटी। ये चारों नोट करो, फिर इसमें एक मैं आपको फ्लॉ बताऊंगा, एक दिक्कत बताऊंगा। नोट कर लिया? यस सर। ओके अच्छा, अब मैं आपको चार क्वेश्चन दे रहा हूं इसी पर बेस्ड। अब मुझे चारों के आंसर बताइएगा, मतलब चार नहीं दो दे देता हूं, वो एक इस टाइप, एक इनमें से, एक इनमें से। मॉड एक्स लेस देन माइनस टू और मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस टू, इनके क्या सोल्यूशन होंगे? तो फर्स्ट वाले का तो x belongs to minus 2 और 2 हो जाएगा राउंड ब्रैकेट्स में, और सेकंड वाले का x belongs to minus infinity minus 2 union 2 in comma infinity और दोनों राउंड ब्रैकेट। और लोग क्या आंसर देना चाहते हैं?
हाँ जी नव्या, सर आई थिंक सेम ही होगा। सेम होगा ओके। अभी पहला आंसर किसने दिया था, आचमन ने कि निश्चय ने, निक्षय ने? सर मैंने दिया था। आचमन ने दिया था, निक्षय सर कर रहा हूँ। अच्छा सिमरन सर सेम सेम ओके ठीक है। निक्षय आंसर बताओ तो मैं बताऊं फिर सही है कि नहीं। Excuse me, sir. हाँ. So over here, like it's minus two and modulus in that it can't be minus two because that's the distance. So I don't think so if that will be possible because it's minus two. Okay. तो क्या आंसर होना चाहिए? सर एक बार सॉल्व करके दिखा दे वाला। हाँ देखो इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन फाइव, इसका आंसर होगा ऑल रियल नंबर्स। रीजन क्या है वो देखो, ध्यान से सोचो बेटा। मॉड एक्स के लिए हमने अभी ग्राफ बना के देखा था, रेंज की भी बात करी थी, इसीलिए मैंने आपको जानबूझ के ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करके दिया बिकॉज आई वांटेड यू टू रियलाइज कि चीजों को भूलिए मत, जो फंडामेंटल सीखा है उस पर कॉन्फिडेंट रहिए। हमने साफ साफ बोला मॉड एक्स का जो रेंज है वो जीरो टू इंफिनिटी है, यानी मॉड एक्स का जो भी आउटपुट आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब बेटा अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो लेस देन माइनस टू कैसे हो सकता है, समझे कि नहीं? राइट और जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन माइनस टू होगा क्योंकि जो भी चीज जीरो से बड़ी होती है वो माइनस टू से बड़ी होती है। दैट मींस इसका आंसर होगा आर और इसका आंसर होगा फाइव। व्हाट आई वांटेड टू टेल यू वाज कि ये चारों इनइक्वालिटी जो आपने लिखी है ये तभी वैलिड है व्हेन ए इज पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव नहीं है जैसे इस केस में तो फिर ये इनइक्वालिटीज इनवैलिड हो जाती है। आया समझ में ये पॉइंट? सबको समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। सो नाउ वी कैन राइट इफ ए इज लेस देन जीरो देन मॉड एक्स लेस देन ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू फाई एंड मॉड एक्स ग्रेटर देन ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू आर रियल और फाई। नोट करो कल्याण।
ओके अब हम थोड़ा इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो पहले आप लोग ट्राई करो, देखो मैं क्या देखता हूं, मैं आप लोग कैसे सॉल्व करते हो। ये लो इसका मुझे सोल्यूशन बताओ। नहीं होगा मैं बताऊंगा, बाकी कुछ भी नया नहीं है। अब इसमें जो करने का है वो ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, सो देयर इज नथिंग न्यू दैट आई एम गोइंग टू टेल यू आफ्टर दिस। सर एक्स माइनस फाइव कॉमा वन। नहीं वो इंटरवल बताओ, माइनस फाइव टू वन ऐसा बता रहे? यस सर। अच्छा देखते, देखो जब ये बाहर वाला मॉड हटाएंगे तो हम कहेंगे एक्स प्लस टू लाइज बिटवीन माइनस थ्री टू थ्री। क्यों? क्योंकि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए का हमको पता है एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, विच यू कैन ऑल्सो राइट एज माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन ए, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब इस प्लस टू को हटाना है तो दिस बिकम माइनस फाइव एक्स एंड वन बिकॉज वी सब्ट्रैक्टेड टू फ्रॉम ऑल थ्री, सो दिस इज द आंसर। ठीक है। अच्छा सपोज आपको ये होता मॉड ऑफ थ्री माइनस फोर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन फाइव, क्या होगा इसका आंसर? Thank you.
चलो चेक करो आप लोग, मैं करता हूं। 3 माइनस 4x आइदर माइनस 5 से छोटा होगा या फिर 3 माइनस 4x विल बी ग्रेटर देन 5। इसको हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा 8 इज लेस देन 4x, दैट मींस x इज ग्रेटर देन 2। यहां से एक सॉल्यूशन मिल गया। अब हम यहां पे ये कह सकते हैं माइनस 4x इज ग्रेटर देन 2, दैट मींस x इज लेस देन माइनस हाफ। जब माइनस 4 को इनइक्वालिटी के अक्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू नो इनइक्वालिटी का साइन विल रिवर्स। सो यू हैव टू सॉल्यूशंस, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस हाफ, दैट इज आपका ये वाला लेस देन वाला आंसर। यूनियन अब ये वाला लिखेंगे, यूनियन 2 टू इंफिनिटी। ये समझ आया सबको? यस सर। किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता भाई। ओके चलो एक और ट्राई करते हैं। मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। अब यहां पर देखो दो मॉड लगे, तो सबसे पहले वी विल टेक केयर ऑफ द बाहर वाला मॉड। तो वी विल से मॉड एक्स माइनस 3 शुड लाई बिटवीन माइनस 5 टू प्लस 5। मैं वही कर रहा हूं जो मैंने आपको सिखाया है, कुछ अलग नहीं है। अब ये माइनस 3 दोनों तरफ एड हो जाएगा, तो प्लस 3 यहां पर भी, प्लस 3 यहां पर भी, प्लस 3 कर दो, ये जाएगा माइनस 2 लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 8। अब दिस इज अ डबल एंडेड इनइक्वालिटी, सो प्लीज अंडरस्टैंड हाउ विल यू सॉल्व। यू विल टेक दिस फर्स्ट एंड दिस लेटर। तो सबसे पहले यू विल से मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन माइनस 2। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बिकॉज ये दोनों कंपल्सरी कंडीशन है, इट हैज टू बी ग्रेटर देन माइनस 2 एंड इट हैज टू बी लेस देन 8 एट द सेम टाइम। मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 8। Now this, as I have already told you, the solution is real numbers. अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। और इसका क्या होगा? X belongs to minus 8 to 8 as the standard solution goes. Now if you have to find intersection between real number and any set, the answer is that set itself. The X belongs to X belongs to minus 8 to plus 8. So this is your solution. नोट करो। सर एक बारी एंड वाला स्टेप रिपीट कर दो, वो एक्स बिलोंग्स टू माइनस 8 कॉमा 8 के साथ। कौन सा? ये वाला? सर इसके बाद वाला, आपने जो फाइनल आंसर बताया। दोनों देखो बेटा, एक चीज तो रियल नंबर्स है, पूरा रियल नंबर लाइन है, और एक चीज है माइनस 8 टू 8। तो माइनस 8 टू 8 और रियल नंबर्स में क्या कॉमन है? ये पूरा ही कॉमन है ना? तो रियल नंबर। हाँ वही आंसर है। आप लोग ट्राई करो। Mod of x minus 1 plus 2 whole mod is less than equal to 3.
फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बाहर वाला मॉड हटाएंगे, इसकी जगह लिखेंगे माइनस थ्री टू थ्री, फिर ये प्लस टू को यहां ले जाएंगे तो ये माइनस फाइव हो जाएगा एंड ये वन हो जाएगा. नाउ यू हैव टू थिंग्स, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फाइव, इंटरसेक्शन मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू वन. दिस इज ऑलवेज ट्रू, क्योंकि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव तो हमेशा ही होगा, तो इसके लिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. आंसर बेसिकली यही देगा. तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू x माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू वन, तो ये ऐड हो जाएगा वन, तो जीरो इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू टू. इसमें रियल नंबर में और इसमें क्या इंटरसेक्शन होगा, तो यही आंसर होगा. दैट मींस आंसर इज x बिलोंग्स टू जीरो टू. समझते जा रहे ना भाई, कहीं कोई इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए प्लीज. Done. हाँ जी. Yes sir. Okay. अच्छा, अब एक वो ग्रेटर देन वाला कर लो. अब देखो, करो, ट्राई करो. क्या है आंसर? Thank you.
x belongs to minus 6. देखो ग्रेटर देन इनइक्वालिटी का रिजल्ट हमेशा ऐसा होता है कि या तो ये लेस देन इक्वल टू माइनस फाइव होगा या मॉड एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव होगा, ये सिखाया आपको। तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री होगा या मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन होगा, ये तो होता नहीं क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पर फाइव हो जाएगा, है ना। और इसका क्या होगा, वही एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस सेवन यूनियन सेवन टू इंफिनिटी, और यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि फाइव और इसका यूनियन जो होगा वो यही आंसर होगा। लिखो देखो, एक एक स्टेप चेक करो, कहीं प्रॉब्लम आए तो पूछो। हो गया सर। Done? Yes, sir. अच्छा अब एक आप लोग ट्राई करो। या एक काम कर दो, रुक जाओ, हाँ ठीक है करो। सर ये 110 है? नहीं 10 है, 10 मॉड ऑफ 2x माइनस 1 प्लस 3 होल मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10।
सर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू माइनस थ्री यूनियन फोर टू इनफिनिटी. ओके लेट्स सी. ये तो रिडंडेंट हो गया क्योंकि लेस देन इक्वल टू माइनस 14 होगा नहीं मॉड, तो एक्स बिलोंग्स टू 5, इसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं. अच्छा इसके लिए क्या कहेंगे, 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस 7 यूनियन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 7. तो 2x लेस देन इक्वल टू माइनस 6 यूनियन 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू 4. तो माइनस इनफिनिटी टू माइनस थ्री यूनियन फोर टू इनफिनिटी, ये आंसर आया था बेटा? यस सर. गुड. बाकी लोग देखिए कोई दिक्कत है तो पूछिए. ठीक है जी. ओके वी विल स्टॉप हियर टुडे बिकॉज़ आई विल नॉट स्टार्ट द न्यू टॉपिक नाउ. मेरे को जितना मॉड में पढ़ाना था उतना कर दिया है. आप लोग प्लीज एक बार शाम को इवनिंग में जब भी फ्री हो या कल मॉर्निंग में जब भी पढ़ने बैठे तो प्लीज एक बार ये जितना करा दिया है ना इसको एक बार ठीक से कर लेना. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट मार्क देम एंड आस्क देम इन द क्लास. And then we'll move further. Is that okay? Okay, sir. Okay, ji. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.